हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। तो ये बात हम सबों पे लागू होती है कि हम कहीं भी पहुँचते हैं तो अचानक नहीं पहुँचते। उसके पीछे एक मेहनत होती है, एक पॉलिसी होती है, एक हमारा प्लान होता है, और प्लान से भी ज़्यादा जरूरी होता है हमारा एक्सक्यूशन कि हम उसके शूट कैसे करते हैं। होता यूँ है पढ़ाई के दरमियान में कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ लाइन पे चल रहा होता है, अचानक से घर में किसी की शादी हो जाती है, कोई फेस्टिवल आ जाता है, हम वापस जाते हैं, वो रिदम टूटता है। तो मैं ये नहीं कहता कि इंजॉय नहीं करना है, पर एक बैलेंस बनाना है कि कितना पढ़ना है और कितना इंजॉय करना है लाइफ। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो क्या होता है, मैंने जो अपने दोस्तों के साथ में किया है, जो मुझे लगा कि कमी कहाँ रह जाती है, तो कुछ लोग जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, वो ज़्यादातर जब भी पढ़ाई शुरू करेंगे वो हिस्ट्री साइंस पे ही टिके रहेंगे, सोचेंगे 90% तो हो जा रहा है इसी से। भैया 90% लगभग सबका हो जा रहा है, वो जो 10% छूट रहा है उसको छोड़ना नहीं है। स्पेशली इकोनॉमिक्स जिससे 15 क्वेश्चन आते हैं, लोग बस लास्ट में एक बार हम बिहार बजट देख लेते हैं, एक बार बिहार सर्वे देख लेते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट देख के चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। उसमें भी पार्टिकुलरली होता है कि 7-8 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स से होता है, जो कि आप पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे, और करेंट इकोनॉमिक्स भी करना पड़ता है, तो इकोनॉमिक्स पे विशेष ध्यान दें। ज्योग्राफी को भी लोग लाइटली ले लेते हैं, जबकि 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी आता है, और मैथ्स वाले जिनका है ठीक है तो ठीक है ही, लेकिन लोग सोचते हैं कि मैथ्स तो सुधर ही नहीं सकता है मेरा, उसको छोड़ के ही चलते हैं, जिनका ठीक नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको मैथ्स जिनका ठीक नहीं है उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वहाँ आप 10 नंबर बढ़ा सकते हैं अपना, और आप लोग देख रहे हैं कि आजकल तो 0.25 का असर हो रहा है। तो पीटी में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 150 क्वेश्चन को हमें टारगेट करना है, और उसका आप प्लान कर लें कि जैसे लास्ट में लोग पढ़ाई 2 महीने में करना चाहते हैं, वैसा ना करें। करें ये कि आप सब्जेक्ट कितने हैं उनको बांट लें और किस दिन पे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ताकि इक्वल वेटेज सभी पे जा सके। पीटी का यही मूल मंत्र है, और जिस तरह से अब यूपीएससी टाइप होने लगा है, तो ज़्यादा रटने की अपेक्षा किसी भी एक टॉपिक को उठाइए, जब भी कोई नया टॉपिक आपके सामने आता है एक बार गूगल कर लीजिए, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, क्योंकि अब इस तरह नहीं आने वाला है कि फैक्ट क्या सही है चारों में से एक टिक कर दीजिए, आप उस टॉपिक को समझ रहे हैं तो आप सही आंसर कर पाएंगे। मेंस की बात करें तो उसका भी पैटर्न बदला है, आप लोग देख रहे हैं। जो मैंने पर्सनल फील किया है, जिसमें मैं भी कमी कर जा रहा हूँ, उसमें आपको ध्यान देना है कि शॉर्ट आंसर का जो लिखना है वो शॉर्ट ही होना चाहिए, वहाँ 2 पेज लगभग मिल जाते हैं, और टॉपिक ऐसा होता है जिस पे कि हम 5-7 पेज लिख सकते हैं, वैसे टॉपिक्स होते हैं, और क्वेश्चन का दायरा भी वो बहुत बड़ा रखते हैं, जैसे कि संथाल विद्रोह पे लिखिए, आप संथाल विद्रोह लिखेंगे तो कुछ भी छोड़ नहीं सकते, आपको सब कुछ कवर करना है, लेकिन याद रखना है कि वो 7 नंबर का ही क्वेश्चन है, हम कितना भी अच्छा कवर कर दें वो 6 नंबर से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, तो उसको ध्यान रखना है। जब प्रैक्टिस करें हम तो उसको 1 पेज में ही ख़त्म करना है, 1 पेज में ही उसका सार हमको बता देना है, तो वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आजकल लेंदी इतना ज़्यादा हो गया है पेपर कि आप 3 घंटे में आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ रहेगा पर लिख नहीं पाएंगे, इसलिए पहले ही ऐसी आदत डेवलप करें कि शॉर्ट आंसर को 1 पेज में ख़त्म करना है और उसमें सारी इम्पॉर्टेंट बात 1 लाइन में ही कह देना है, इस तरह की चीज़ें। मेन आप सर का जो प्रैक्टिस सेशन होता है, जैसे मॉक टेस्ट जो होते हैं मेंस का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वही वो चीज़ है कि आप जो आपके ब्रेन में है वो कॉपी पे उतर पाएगा। इंटरव्यू में डेली अभी से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे स्पीकिंग एबिलिटी, सब लोग दोस्त लोग हैं ही आप लोग एक दूसरे के, तो अभी से इंटरव्यू में क्या क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसको लेते चलिए, ताकि और वहाँ जब जाएँ तो पूरी बोल्डनेस के साथ, कभी कभी जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ वैसे इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कुछ लोगों के बीच में खड़े होकर बोलने की आदत डाल लीजिए, तो वहाँ बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगा। तो इस तरह करेंगे सब लोग सक्सेस मिलेगा, सब लोगों को मिलेगा। हाँ, जब आंसर आप लिख रहे हैं मेंस का, तो इस बात का ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन जब आप दें तो इस बात का ध्यान रखें कि ओवरव्यू जो आप पूरा लिखने जा रहे हैं उसको एक पैराग्राफ में समझा दें कि मेरी क्या समझ है इस टॉपिक के विषय में। फिर जब मेन में आए उसकी डिटेल्स बताएं, लेकिन जब लास्ट करें तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे दे जो अभी हाल फिलहाल में, अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं ना तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो
तो आप उन चीज़ों का जिक्र करें, जितना ज़्यादा करंट से आप जोड़ पाएंगे अपने आंसर्स को वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ऐसा लगता है अगर आपने कहीं कहीं पुरानी बातों को ही दोहरा दिया तो लगता है कि जो सीखा है बंदा वहीं तक रुका हुआ है, लेकिन जब आप उसको करंट से जोड़ देते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा जो ज्ञान ले रहा है उस ज्ञान को अभी से मिला के देख रहा है, मतलब कनकरेंट समझ इसकी अच्छी है, और जब तक ये बात उनके दिमाग में जाएगी तभी वो अच्छे मार्क्स दे पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप ये ना सोचें कि अभी से जितना टाइम मिला है। क्या होता है हमारे साथ कि हम जब देखते हैं कि ठीक है पीटी होगा तभी तो मेंस देंगे ना, ऐसे वाले फीलिंग रहता है, लेकिन मान लीजिए पीटी हो ही गया, 90 के बदला आपने 105 नंबर प्राप्त कर लिया, लेकिन तब तक आपकी तैयारी मेंस वाली हो ही नहीं रहती। अभी जिस तरह का मेंस का शेड्यूल बना है, कम से कम 6 महीने कम से कम डेडिकेटली आपको मेंस के लिए तैयारी करनी होगी। तो अभी, और एक और बात कि अभी जो पीटी है अगर आप मेंस की अच्छी तैयारी करते हैं तो उसमें भी आप लगभग लगभग पीटी का तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि फैक्चुअल बहुत ज़्यादा रह नहीं रहा है, आपके डिटेल्स आंसर पूछे जा रहे हैं। तो अभी के आप 4-5 महीने 3-4 महीने तो कम से कम ज़रूर मेंस के लिए पढ़िए, और उसके बाद जब 2 या 2.5 महीना बच जाए तो सिर्फ पीटी के लिए पीटी फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन बना के रखिए, है ना, ये टूटने लगता है, इतना ज़्यादा प्रेशर है। मैं डराऊंगा नहीं लेकिन बताऊंगा कि प्रेशर, अच्छा एग्ज़ाम होने के बाद भी आप श्योर नहीं रहते हैं कि मैं इन हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि चाहे जैसे भी स्थितियाँ हों खुद को हमेशा इनर्जेटिक रखना है, अपना कंपटीशन अपने आप से रखना है, और एक दूसरे को सहयोग करना है। ये नहीं कि मतलब मेरा कंपटीशन इससे है या इससे है या इससे है, नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से है। आप खुद को बेहतर कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे। रश्मि रत्ती की लाइन्स याद आ रही हैं कि ठमठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब होगा। आप लोग के लिए शुभकामनाएं, खूब अच्छा कीजिए और ढेर सारी रिजल्ट लाइए, और यहाँ आके आप ही एड्रेस कीजिए सब लोगों। देखिए टॉपिक्स में ना आप अगर 2 आदत बनाइए कि एक न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, और दूसरा जो उसका संपादकीय है, अगर आपको हिंदी पसंद आता है हिंदी वाला ही पढ़िए, सबका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है इसका। लेकिन ये अगर आप डेवलप कर लेंगे ना तो यकीन मानिए कि आपका मेंस में 80% चीज़ें इससे कवर हो जाएंगी, और जैसे ही आप वो टॉपिक देखेंगे तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा। आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें लोगों के पक्ष विपक्ष आ रहे हैं, तो एक बार टॉपिक सर्च कर लीजिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा क्या मुद्दा था, कैसे सॉल्व होगा। बिहार स्पेशल का विशेष ध्यान रखिएगा, मतलब बिहार स्पेशल नॉट ओनली दैट पोर्शन ऑफ पीटी, बल्कि आपको ये देखना है कि जैसे अभी जितने भी मुद्दे हैं बिहार में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इनका जहां जहां आप कूट डालिएगा इसका मतलब होगा कि आपका इनहेंस हो रहा है आंसर और आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं। हर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जब आप पेपर पलटिए तो खासकर जिसको हम लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं, विज्ञापन आता है बहुत सारा, पहला पेज पूरा भरा रहेगा कि जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री साहब आज यहाँ पे वो करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं, हम देखते ही नहीं हैं, हम सीधा फर्स्ट पेज पे चल जाते हैं, जबकि हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए वहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं कि कौन जल संसाधन मंत्री है, कहाँ कहाँ कौन सी योजना चल रही है। यकीन मानिए एक इंटरव्यू में आप अच्छा सा योजना बता देते हैं, उसका डिटेल्स बता देते हैं, उनके पास अधिकतर नॉलेज पेपर से ही पहुंचता रहता है, और वो चूंकि सिविल सेवक रह चुके होते हैं तो इन खबरों पर उनका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपसे वही चीज़ें पूछेंगे कि अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है, कोई जयंती मनाई गई है, कोई बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ है। तो कोई टॉपिक आप स्पेसिफिकली नहीं ले सकते हैं करेंट अफेयर्स में, ये बहता हुआ नीर है, लेकिन आपको हमेशा उसमें अवेलेबल रहना होगा। पेपर खूब पढ़िए और ज़्यादा नहीं, पूरा मत पढ़िए, अगर खेल में इंटरेस्ट है तो खेल वाला पढ़ लीजिए, लेकिन फर्स्ट पेज और संपादकीय एक पेज वो पक्का पढ़िए। बिल्कुल रिलेट करना है आपको, खासकर कंक्लूजन में रिलेट करना ही है, कंक्लूजन में आप अगर रिलेट करते हैं तो वो आपको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दे जाता है कि हर चीज़ों को देखने का जो व्यू है वो काफ़ी ब्रॉड है इनका। क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको रखना है, मल्टी डायमेंशनल जो थॉट होता है वो, जैसे कि सिर्फ सोशल ही बता के नहीं रह जाना है उसका, आप सब इस बात से वाकिफ होंगे ही ऑलरेडी कि हर हर फील्ड में जाना है, ताकि
जैसे होता है ना कि आपको साइकोलॉजिकल जो होते हैं, जो साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, उसमें यही किया जाता है कि एक शब्द दे दिया गया, उससे आपको एक लाइन लिखना है और वो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं सुलझे हुए इंसान नहीं हैं तो आप बहुत छोटा सा चीज़ देख के छोड़ देंगे। जैसे मैंने कल किसी से पूछा कि इकोनॉमी में फॉरेस्ट का क्या रोल है, उन्होंने जवाब दिया कि वहाँ से गोंद मिल जाता है, लकड़ी मिल जाती है, ये है वो है। पर सच्चाई ये है कि ये उन्होंने सीधा सीधा एक नैरो व्यू दिखा दिया। अगर हम देखें तो फॉरेस्ट इकोलॉजी के लिए कितना बड़ा चीज़ है। इकोलॉजी में अगर डिस्टर्बेंस होता है तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा कि हम क्लाइमेट चेंज, फिर उसके बाद आपातकाल, इतने सारे ये जो डिजास्टर होते हैं वो आएंगे, तो ये सबको ठीक करने में फिर तो इकोनॉमी पे ही असर आती है। तो हम सब चीज़ों को जोड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि सीधा हम वहीं से जोड़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे कि उससे ऊड मिलता है, पेपर मिलता है, सब कुछ मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ाते हुए हम वर्ल्ड लेवल तक उसको लेके जाएंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि इसीलिए है कि उसके बाद जैसे कंक्लूड करना है तो आप कह सकते हैं कि भारत सरकार ये योजनाएं चला रही हैं, बिहार सरकार ये योजनाएं चला रही हैं और विश्व स्तर पर ये योजनाएं चल रही हैं। तो एक तरह से दिख गया कि ठीक है, पहले बच्चे ने छोटा शुरू किया, पूरा बताया कि कहाँ कहाँ क्या इम्पैक्ट है और लास्ट में उसके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या एक दो सलाह अगर देना चाहें, लाइफ कैंपेन का हम जिक्र कर सकते हैं कि हम सबको अपना अपना लाइफ स्टाइल सुधारना होगा। तो इस तरह से एक कम्प्लीट आंसर तैयार हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पेज चार साढ़े चार से ज़्यादा लिखेंगे तो फिर टाइम नहीं बचता है, तो कम शब्दों में ज़्यादा बातें लिखेंगे। बताइए। प्रैक्टिस ही करना होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे सर का मैंने बताया ना कि जो टेस्ट सीरीज चलता है उसमें लिखना शुरू कीजिए। हो सकता है शुरू में बहुत ख़राब नंबर आए, एकदम नीचे नाम रहे। जैसे देखिए कोई भी टॉपिक है ना, अगर कोई साइंटिफिक टॉपिक है उसको समझाते हुए शुरू कीजिए कि वो चीज़ क्या है। मान लीजिए है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को इसी से शुरू कीजिए कि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग है। तीन चार लाइन उसके साथ लिखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का अगर हम लें तो उसमें शुरुआत कर सकते हैं कि कैसे वो वार्मिंग बढ़ता है। जैसे हम बता सकते हैं कि जो सनलाइट है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जो वापस जाती है उसका कम होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उनको ऑब्जर्व कर लेती हैं, जाने नहीं देती हैं और इसके कारण। साथ में ये भी बताएं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो 200 से नीचे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा और इंसान क्या कोई भी जीव जंतु नहीं जी सकता। तो हमें दोनों एस्पेक्ट देखना है। उसके बाद बताइए कि लेकिन एक्सेस मीथेन और इन चीज़ों की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसका हम देखते हैं कि बहुत भयावह परिणाम होता है। जैसे उसके बाद फिर आप शुरू कीजिए सारा चीज़ एक एक करके कि वाइल्ड लाइफ पे क्या असर पड़ता है और उसके बाद देखिए कि जितने भी चीज़ें हैं जैसे जितना उसका कर सकते हैं, लेवल रेज होगा, कृषि पे असर पड़ेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। तो शुरुआत आप समझाते हुए कीजिए कि क्या चीज़ है और उसके बाद उसका मेन हेडिंग लीजिए। और कुछ? हाँ, इंटरव्यू में मैं जैसे इंटर किया मुझे सबसे पहले पूछा गया कि कब ग्रेजुएशन किए, क्या सब्जेक्ट था, ऑप्शनल क्या था। फिर उन्होंने पूछा कि आप 2012 में ही ग्रेजुएशन किए तो इसके बाद क्या कोई जॉब कर रहे थे। मैंने कहा सर मैं पहले जॉब कर रहा था, बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया। मैं 10+2 के बाद ही इंटरमीडिएट के बाद ही नेवी ज्वाइन कर लिया था और नेवी में रहते ही मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, BBA किया और उसके बाद अभी आके CAG में ज्वाइन किया। तो उनका इम्प्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया और उनका अच्छा तब तो आप बहुत एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। बोले जी सर। तो एक ये चीज़ें भी उनके सामने आई। फिर उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसमें की था कि तुर्की और रसिया का क्या रिलेशन है, बताइए अभी क्या चल रहा है करेंट सिनेरियो। तो ये हार्डेस्ट क्वेश्चन था, इसको देख के डरना नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक दो वो जान बूझ के प्रेशर देने के लिए पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जब आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप अपना वो जो एनर्जी लेवल है वो खो तो नहीं देते हैं, मन उदास तो नहीं हो जाता, चेहरा बैठ तो नहीं जाता है, इस तरह की चीज़ें। तो आपको इंटरव्यू में इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे जो भी हो, मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मैटर नहीं करता, बट मेरी जो पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं वो उनको नज़र आना चाहिए। ठीक है, मुश्किल में भी बंदा खुश रहता है, स्माइली रहता है, अगले बार में कोशिश करेगा, अगला अच्छा आंसर देगा।
लास्ट में उनका जो था, फिर इंडियन नेवी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उनका कि धर्म और जाति दोनों बिहार में आप कैसे देखते हैं इन दोनों चीज़ों को। मैंने बताया कि सर धर्म का भी अपना महत्व है, जैसे कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर हम देखें कि आदमी अपना नैतिक उत्थान की बात करे, अगर हम अपने ज़िंदगी में शुचिता को ध्यान देते हैं, नैतिक मूल्यों पर ध्यान देते हैं, तो इसमें धर्म का बहुत बड़ा रोल होता है। हर धर्म सिखाता है कि कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब यही सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है तो फिर हमारे लिए दिक्कत का सामना करना होता है। फिर उन्होंने कहा अच्छा जाति को कैसे देखते हैं। मैंने कहा जाति भी लगभग ऐसे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाति से एक वर्गीकरण मिलता है किस समुदाय को कितना सरकारी लाभ चाहिए या असिस्टेंट चाहिए, उसका पता चलता है। लेकिन जब ये फिर जातीय संघर्ष के बीच में बदलती है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर उनका अगला क्वेश्चन था कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप जाति को कैसे देखते हैं। मैंने कहा सर एडमिनिस्ट्रेटर को बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए, उन्हें किसी भी जाति या किसी भी संप्रदाय के प्रति कोई मनोभाव पहले से नहीं होना चाहिए, उनके अंदर फीडबैक नहीं होना चाहिए। और लेकिन सरकार जिस नियत से जो योजना ला रही है और जिन लक्षित समूहों के लिए ला रही है, वहाँ तक पहुँचाने का डेडिकेशन उनके अंदर होना चाहिए। ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था। हाँ, फिर लास्ट में जब मेरा उन्होंने कहा कि अब आपका इंटरव्यू ओवर होता है, फिर उन्हें याद आया कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रखा है। मैंने बताया कि सर मेरा सब रजिस्ट्रार मैंने रखा हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा सब रजिस्ट्रार क्यों, बाकी पोस्ट भी रख सकते थे। फिर मैंने उनको जस्टिफाई किया कि सर मैंने लॉ किया हुआ है, LLB की पढ़ाई की है, तो निश्चित तौर पर एक सब रजिस्ट्रार के तौर पर मैं अच्छी सेवाएँ दे पाऊँगा। उन्होंने बोला कैसे। मैंने बताया कि सर जैसे कि अभी बिहार सरकार की प्राथमिकता है कि वो भूमि विवाद को कम करना चाहते हैं, तो उनका फिर से एक क्वेश्चन आया कि भूमि विवाद तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम होगा। मैंने कहा सर जो भूमि विवाद है उसका जन्म रजिस्ट्री के टाइम से ही शुरू होता है। दरअसल ऐसे भी होते हैं जैसे हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जब तक पार्टीशन नहीं हुआ है तब तक आप अपना ज़मीन नहीं बेच सकते अगर आप कर्ता नहीं है, उस फैमिली के हेड नहीं है। तो अभी होता क्या है कि जिसको जब जो अज्ञानता बस जिन्हें नहीं पता होता है वो भी अपना बिना पार्टीशन के ही रजिस्ट्री कर देते हैं, और बाद में फिर ये केस बन के आता है कि ये तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी था, आप बेच ही नहीं सकते थे। तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन हो जाता है। तो चूंकि मुझे, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, मुझे पता है, मैं पहले उन्हीं ज़मीन के रजिस्ट्री जब तक वो क्लियर ना हो जाए लीगल इशू तब तक रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो वो बोले ठीक है आप जा सकते। तो यही इंटरव्यू था। क्या ऑप्शनल इंटरनेशनल रिलेशन था? बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शनल से आए थे, ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शनल से ही आए थे। मेरा था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो दोनों चीज़। डेप से मैंने बताया कि नेवी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे, जैसे कि अभी हाल ही में एक वारशिप कमीशन हुआ था INS इम्फाल, तो मैंने बताया कि INS इम्फाल, तो फिर उन्होंने पूछा इम्फाल का नाम इम्फाल क्यों रखा गया है, बताइए। किसी एक घटना से आप नहीं जोड़ सकते हैं। दरअसल प्रोजेक्ट 15B के तहत अपने यहाँ अपने स्वदेशी और फ्रिगेट स्टिल्थ मतलब वो आपसे बनाए जा रहे हैं, तो उनका नामकरण हमेशा किसी सिटी के नाम पे होता है भारत के, जैसे विशाखापट्टनम, सूरत, कोलकाता, बम्बई, इस तरह से। तो इस बार जो लाया गया है वो इसीलिए कि पूरे इम्फाल इसीलिए रखा गया कि पूरे देश का इंटीग्रेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी दिख सके। तो मैंने उनके इस बात का जवाब दिया और बहुत संतुष्ट थे, तो तुरंत ही उन्होंने अगले वाले को बता दिया। मेंस के लिए देखिए, मैंने बताया ना कोई भी आप छोड़ नहीं सकती हैं। आप एक अपना वो कर लीजिए कि मेरा कौन सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा बाकियों के मुकाबले कम तैयार है। जैसे मेरी बात करें, मैं नेवी से बाहर आया तो मैंने कभी इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं दिया था। ज्योग्राफी भी चंदन सर के सामने मैंने वो मेंस के लिए तैयार किया था, नहीं तो उससे पहले पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी ज्योग्राफी की। तो आप खुद से पूछिए कि किस सब्जेक्ट में मैं सबसे अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ और उसको सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए उसके बाद। लेकिन दीजिए सबको, किसी में ये मत सोचिए कि ये वाला तो मैं 30 में 30 कर दूंगा, पता चले कि वही गड़बड़ हो जाएगा। तो सबको दीजिए, लेकिन जिसमें सबसे कमज़ोर है उसको सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए, बाकी सबको दीजिए। हाँ, बिहार स्पेशल कैसे बहुत मज़ेदार रहता है, मज़ा आता है उसी को लिखने में सबसे ज़्यादा। मेरे समय आया था 4, जिसमें कि 2 का तो मुझे मतलब ही नहीं पता था,
अगला खेती आगे आगे और पिछला खेती भागे जाके मैंने कभी सुना नहीं था। उसके बाद मोटैहन लोहा हो या मैंने सुना था, इसमें जिनकी मम्मी जी ज़्यादा लोकोक्ति बोलती हैं उनके लिए फ़ायदा है, कहावतें बोलती हैं। ये मूस मोटैहन मुझे पता था, और दूसरा जो धर्म के बिना विज्ञान आनहर छै और समथिंग था, तो बस नांगर तो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि लंगरा के लिए नांगर शब्द यूज किया जाता है, लेकिन आनहर से समझ में आ गया था कि अच्छा अंधा और लंगरा की बात चल रही है। तो सबसे पहला काम तो है कि लोकोक्ति पढ़ते रहिए बीच बीच में, बहुत सारा आजकल तो लिस्ट आने लगा है, तो अगर आप उस मुहावरे का अर्थ समझ जाते हैं ना तो चैप्टर कुछ नहीं है। जैसे था अगला खेती आगे आगे पिछला खेती भागे जाके, मतलब सिंपल आप सब अब समझ रहे हैं कि अगर सही टाइम पे काम कर लिया जाए तो सब कुछ सही होता है, नहीं तो गड़बड़ है। तो इसको निकाल के देखें तो इस टॉपिक हुआ समय का महत्व, है ना। अब समय का महत्व पे लिखना हो तो आप आराम से बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो पहला काम यही है कि उस लोकोक्ति का मुहावरे का असली मीनिंग समझिए। अब एक मेरी दोस्त थी, उसने क्या किया कि बोला कि चारों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने खेती खेती पे ही सब कुछ लिख दिया, कैसे बिहार में क्या किसानों की दुर्दशा है और क्या है। और ऐसा नहीं कि वो अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन उनको चारों समझ नहीं आ रहा था, तो देखिए चलो खेती का चर्चा है तो उन्होंने पूरा खेती के महत्व पर समझो तो लिख दिया। लेकिन उसमें क्या होता है, एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि तो मेन टॉपिक ही नहीं समझ पाई, ये क्या लिखी है, ये तो बहुत जनरल चीज़ें हो गए। तो आपको सबसे पहला काम करना है उसका मतलब समझना। जैसे इस बार लिखा है मैंने 69th में कि धोबिया का कुत्ता न घर का न घाट का, जो भी थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो इसका क्या मतलब हुआ कोई बताइए। आप लोगों को भी थोड़ा काम दे देते हैं। एक आदमी बताइए। मैंने इसका मतलब समझाया, पहले जिसको लिखता हूँ तो पहले उसका मतलब ही समझाना पड़ता है। तो मैंने इसका समझाया कि जिनकी नीति स्पष्ट नहीं होती है वो अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते, आधे अधूरे करके ही रह जाते हैं, ठीक है। या जिनकी पॉलिसी परफेक्ट नहीं है, जिनका बेसिक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वहाँ दिक्कत है। उसके बाद आप इसको दो तरह से बता सकते हैं, मतलब जैसे हर तरफ एग्जाम्पल दीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे भारत आज़ाद हुआ, पॉलिसी क्लियर थी कि हम नैम को अपनाएंगे, गुट निरपेक्षता को अपनाएंगे, पूरा विश्व बटा हुआ था दो खेमों में, हमने अपनाया। वहीं हमारा एक पड़ोसी देश है, मैंने नाम जिक्र नहीं लिया, कर भी सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानता पाकिस्तान का नाम लेने में। तो एक पड़ोसी देश है जो कभी अमेरिका का पिछलग्गू बनता है, कभी अरब देशों का पिछलग्गू बनता है, और आज उसकी स्थिति ऐसी है कि अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर चुका है और अपनी स्थिति पर बदहाली पर रो रहा है। तो घर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे पड़ोस में है, तो हमने इस तरह से बता दिया, ठीक है। इसी तरह की चीज़ें होंगी, न सिर्फ इसमें बल्कि मैंने हर जगह पर, मतलब एक परिवार में अगर कोई बच्चा है वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको सही समय पे चुनाव करना होगा कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेना है। अगर एक बार वो चूक गया तो फिर वो नहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और आगे चलिए, संविधान में भी हमने बताया कि हमने जो जो चीज़ें अपनी फिक्स रखी कि हम एक सोवरेन सेकुलर कंट्री रहेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री रहेंगे, उस हिसाब से हमने आगे बढ़ा, तो अपनी पॉलिसी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि हमें चुनना ही है किसी को। चुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि या आइदर ए और आइदर बी, हम बीच का मध्यम मार्ग भी चुन सकते हैं या फिर हम नहीं भी चुन सकते हैं, चार ऑप्शन हमारे पास होते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने दिया कि नोटा है, नोटा इसीलिए लाया गया है कि हम अगर मन करेगा तो हम किसी को चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। मध्यम मार्ग की बात की मैंने बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमने ना पूंजीवाद को पकड़ा ना हम समाजवाद की तरफ गए, हम बीच का मार्ग लिए। तो इन चारों चीज़ों को चुनने मतलब असली चीज़ है कि हम चुने अपनी मर्जी से चुने। अंत भी मैंने इसी कोट से किया था, एक कविता से, कि मैं कहता हूँ चुनो, कुछ भी चुनो, डर हिम्मत बहस या कुछ और, लेकिन अपनी मर्जी से चुनो। तो इससे क्या हुआ, एक थीम निकल के आया कि हम जो कहना चाहते थे धोबिया का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उसको मैंने एक ब्रॉड लेवल पे बताया कि ये सिर्फ कहावत नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज़ हुई जिसको कि समझ एक प्रिंसिपल के तौर पे होता है। आप लोग जब शुरुआत करेंगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो भी इस तरह की कहावतें मुहावरे लोकोक्ति होती है वो सिर्फ एक बोलचाल की भाषा नहीं होती, एक एक्सपीरियंस छुपा होता है, बहुत पूरे समाज का एक्सपीरियंस होता है और खोक बजाया हुआ एक सुक्ति हो जाता है जिसे बहुत सिंपल तरीके से लोग एक दूसरे को समझा पाते हैं। एक छोटा सा वर्ड हजार लेटर के निबंध से ज़्यादा वैल्यू रखता है, इस तरह से आप उसको बताते हैं।
नहीं, मैं सर ने मुझे ऑप्शन दिया था, सर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब मैं सर के पास आया, मैंने सिर्फ एडमिशन ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए लिया हुआ था, लेकिन जब सर के पास आया तो उन्होंने कहा कि आप एडमिशन का चक्कर छोड़िए, आप दोनों क्लासेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर सर, मेरा क्या था कि मैं हिंदी में निबंध लिखना चाहता था, क्योंकि मैं कविताएँ वगैरह ज़्यादा करता हूँ, तो मैंने सोचा कि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, और GS जो है मैंने इंग्लिश में लिखा था, तो दोनों का टाइमिंग सेम था यहाँ पे, इस कारण से मैंने निबंध का कहीं किया नहीं। बस मैंने एक दो जगह लिखा है, टेस्ट सीरीज के तौर पे लिखा है, तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया हुआ। देखिए, वैसे बहुत सारे बुक्स पढ़ने के लिए अच्छे आए हैं, मैं बस इम्तियाज़ अहमद पढ़ा था, मतलब वो मेरा कमज़ोर पक्ष था, लेकिन आप लोग सिर्फ एक बुक पर नहीं डिपेंड होइएगा, एटलीस्ट मुझे लगता है अपना तो मैगजीन आता है ना, उससे कीजिए, उसको पढ़िए, वो भी अच्छा लिखा हो, कोई भी एक बुक पढ़िए, लेकिन पूरा पढ़िए उसको, हर उसका चैप्टर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिहार से इतना ज़्यादा वो आता भी नहीं, अगर आप पेपर देखते रहेंगे ना तो आपका वहाँ कवर हो जाएगा पूरा।